लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, जिसे हम देश की स्वतंत्रता का प्रतीक मानते हैं। राष्ट्रीय ध्वज में जो ये तीन रंग विद्यमान है, इनकी वजह से हम इसे तिरंगा कहते हैं। पहले राष्ट्रध्वज संहिता के अनुसार केवल सरकार और उसके संगठन के माध्यम से ही राष्ट्र पर्व के अवसर पर ध्वज फहराने का प्रावधान था, परंतु इस बार आजादी के 75वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव चलाया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा का यह जो अभियान था, इसमें पूरे देश में सभी ने तिरंगा अपने अपने घर पर, अपने प्रतिष्ठानों पर, सरकारी हो या निजी, हर जगह तिरंगा लहराता हुआ नजर आया। परंतु तिरंगे को हाथ में लेने से पहले उसके सम्मान के बारे में और उसकी महत्ता के बारे में जान लेना सभी के लिए नितांत आवश्यक है। ऐसे में कुछ खबरें ऐसी भी आई हैं जो तिरंगे के अपमान को लेकर हमें शर्मसार कर देती हैं। तिरंगे का अपमान, जो कि एक दंडनीय अपराध है, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यह भारत देश की स्वतंत्रता का जो प्रतीक है, इसका अपमान यदि किसी भी दशा में किया जाता है तो इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होना तय है। इसीलिए कहते हैं, तिरंगे का यदि मान न रख सकें तो उसका अपमान भी ना करें। ऐसी घटनाएं हमें सच्चाई से रूबरू कराती हैं। तिरंगा फहराने की लाज न रख सको तो तिरंगा फहराने की हिमाकत भी ना करो। ऐसा संदेश उन सभी लोगों के लिए है जो तिरंगा फहराने के नियमों को नहीं जानते और उनका इस राष्ट्रीय ध्वज के प्रति दिल से कोई भी लगाव नहीं है। जब तिरंगा विशेष था और पहले सिर्फ सरकार या उसके संगठन के माध्यम से ही राष्ट्र पर्व के अवसर पर ध्वज फहराया जाता था, तो लोग जानकर और समझदार बनकर सम्मान के साथ इसे फहराते थे। परंतु हर घर तिरंगा गौरव यात्रा जैसे आयोजन में, जहां एक तरफ पूरा देश तिरंगा में दिखा, वहीं दूसरी तरफ कुछ नजारे ऐसे आए जो कि मन में शर्मिंदगी पैदा कर देते हैं। खबर को शुरू करने से पहले आइए आपको दिखाते हैं यह छोटा सा वीडियो। जरा गौर से देखिए इस वीडियो को। बोल को सीख कर दीजिए। तिरंगा के काबिल है भी या नहीं, यह तस्वीर और जो वीडियो आपने देखा, इससे आप अंदाजा लगा चुके होंगे। कुछ तस्वीरें और वीडियो यह ऐसा है जहां पर सभी लोग खड़े हुए तिरंगे के इस अपमान में भागीदार हैं। दरअसल यह जो पूरा मामला है, यह झारखंड के चतरा जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र के योगियारा पंचायत सचिवालय का, जहां योगियार पंचायत के मुखिया आशीष भारती व भाग एक के जिला परिषद रविता देवी के पति संतोष राणा के द्वारा तिरंगा ध्वज का घोर अपमान होता हुआ दिखाई दे रहा है। यह जीता जागता उदाहरण है कि किस तरीके से तिरंगे का सम्मान करना शायद इन लोगों ने अपनी इतनी उम्र हो जाने के बाद भी नहीं सीखा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि तिरंगे की रस्सी को खींचा तो तिरंगा फहराने के बजाय वह धरती पर आ गिरा, जिसके बाद मुखिया व जिला पार्षद पति संतोष राणा और सभी के द्वारा राष्ट्रगान शुरू कर दिया गया। उसे ना ही उठाया गया और ना उसको सम्मान दिया गया। पहली बात, तिरंगे को सही तरीके से रस्सी से क्यों नहीं बांधा गया, और जब वह जमीन पर गिर भी गया था तो उसे तुरंत उठाकर मस्तक में लगाकर पुनः फहराना चाहिए था, उसका सम्मान करना चाहिए। परंतु शायद इन सभी के दिल में तिरंगा अभी तक बस ही नहीं पाया। तिरंगे का यह अपमान देखकर शायद हर व्यक्ति जो R9 भारत टीवी स्क्रीन पर इस समय यह खबर देख रहा है, उसके मन में क्रोध उत्पन्न हो चुका होगा। लेकिन शायद उन्हें, जिन्होंने यह किया है, इस बात की कोई भी शर्मिंदगी अभी तक महसूस नहीं हो रही होगी। जमीन पर तिरंगा गिर जाने के बाद राष्ट्रगान का शुरू हो जाना और सलामी देना और तिरंगे को न उठाना, कहीं ना कहीं घोर लापरवाही और तिरंगे का अपमान है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि आखिर तिरंगा गिरने के बाद तिरंगे को उठाना जरूरी क्यों नहीं समझा गया। यह जितने भी लोग खड़े हैं, वैसे सभी इस अपमान के भागीदार हैं, परंतु मुख्य आयोजनकर्ता और योगियार पंचायत के मुखिया आशीष भारती व भाग एक के जिला परिषद रविता देवी के पति संतोष राणा, जो कि इसकी अगुवाई कर रहे थे कार्यक्रम की, उन्हें यह बात समझनी चाहिए थी। ऐसी हरकतों को देखकर शासन प्रशासन अपना मुंह छिपाता हुआ दिखेगा, परंतु R9 भारत आपको सच से हमेशा रूबरू कराएगा। देखना यह होगा कि आखिर इन पर कब कार्रवाई होगी, और ऐसे में
हम ही नहीं पूरे देश की यह आवाज है कि तिरंगे का अपमान करने वाले किसी भी व्यक्ति पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ R9 भारत।